नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन खरीदना आज के समय में किसी मील के पत्थर को पार करने से कम नहीं है। ये प्रक्रिया बेहद ही मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि जमीन रजिस्ट्री के लिए आम लोगों को कई प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण लोगों के अगर जमीन रजिस्ट्री का काम हो जाए तो माने कि उनके सिर से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। इतना ही नहीं, बिहार में तो जमीन के दाम भी आसमान छूने वाले होते हैं। भले ही आज के समय में बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बहुत कम है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम ही होती है, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में जमीन के दाम अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन का खिसकना लाजमी है, क्योंकि बिहार के जमीन के दाम अन्य राज्यों की तुलना में बेहद ही अधिक होते हैं। इसमें भी बड़ी दिक्कत तो इस बात की आती है कि जमीन का निबंधन शुल्क और स्टाम्प शुल्क भी काफी महंगा होता है। हालांकि इस महंगाई की लंबी फहरिस्त में चीजें और जोड़ती ही जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह है कि अब बिहार सरकार ने राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ही सरकार ने खास प्रायोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन और स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिहार सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार जमीन रजिस्ट्री को अब मुफ्त करने जा रही है। हालांकि ध्यान रहे, उद्योग के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र या उससे बाहर उद्योगों की स्थापना के प्रायोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन और स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। मद्य निषेध और निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस कदम से अब उम्मीद यही है कि उद्योग के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी। इसको लेकर ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सारी जानकारी साझा की है, जिसके तहत ही उन्होंने हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार बताया है कि बियाडा को सरकार की तरफ से आवंटित भूमि के निबंधन पर अब स्टाम्प और निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, उसके दस्तावेजों के निबंधन पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है, जिससे अब पूरी उम्मीद है कि नई इकाइयों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके साथ ही अब उम्मीद ये भी बढ़ गई है कि निजी निवेशकों को 100% निबंधन और स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ तभी मिलेगा जब उनका निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद से स्टेज एक क्लियरेंस प्राप्त हो। हालांकि ध्यान रहे कि आपको निबंधन और स्टाम्प शुल्क के अलावा भू स्वामी रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क और कंप्यूटरीकृत निबंधन के लिए लिया जाने वाला सेवा शुल्क नियमानुसार लिया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार निजी निवेशकों को छूट का लाभ केवल पहले लीज, बिक्री या ट्रांसफर के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा। इसको लेकर उद्योग विभाग की तरफ से भूमि का विवरण और लोकेशन के साथ निवेशकों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत होगा, जिस पर छूट दी गई है। इसके बाद के ही चरणों पर छूट प्रभावी नहीं होगी। इन सब के बीच ध्यान रहे, अगर निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन नहीं करते हैं तो दी गई छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग के द्वारा वसूल की जाएगी, जो कि 31 मार्च साल 2025 तक प्रभावी होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।